एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 और जो कि सबसे ज्यादा इजी है, इसमें कहा है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब समबाहु त्रिभुज बोला है तो और समबाहु त्रिभुज से एक चीज आपके दिमाग में अपने आप ही आ जानी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो आप कह सकते हैं ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बी सी। क्वेश्चन में जो आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ पे हमको दिखाना है क्या है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। जब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। यानी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। जब भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो ए बी के सम्मुख कोण देखो, ए बी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल सी। बी सी का सम्मुख कोण, बी सी का सम्मुख कोण ए, और ऐसे ही ए सी का सम्मुख कोण बी। ये आप कहाँ से ले रहे हैं, प्रमेय। फिर मैं बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा कि यहाँ पर क्या लिखना है, आपने पूरी प्रमेय लिखनी है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, प्रमेय 7। मतलब दो बट आप क्या लिखेंगे कि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे समद्विबाहु शब्द यूज नहीं करना आपने, क्योंकि ये क्या है, समबाहु है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ से देखो, एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी मिल चुका है। ये आपको पता है कि तीनों जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। तो सिंपली आपको पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180। अब यहाँ पे त्रिभुज के अंतः कोण कौन कौन से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्या सी, बराबर कितना आ जाएगा, 180। और यहाँ पे आप ऊपर दिखा ही चुके हैं कि एंगल सी बराबर एंगल ए के, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप एंगल ए प्लस एंगल बी को भी आप लिख सकते हैं एंगल ए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। और एंगल सी को भी आप लिख सकते हैं एंगल ए बराबर 180। ये आप कर रहे हैं कहाँ से, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो और यहाँ पे दिखा दो कि समीकरण 1 से हो गया ना सरल। तो अब ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आप क्या निकालेंगे कि तीन बार आ जाएगा एंगल ए बराबर में 180। एंगल ए मिल जाएगा तो बाकी के मिल जाएंगे, तो 180 बट्टे 3। तो यहाँ से एंगल ए बराबर जाएगा देखो 3 × 18 यानी 60 डिग्री। जब एंगल ए 60 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण भी बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी बराबर 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मेरे को तो भैया ये एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि कुछ था नहीं इसमें करने जैसा, बट फिर भी आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई हो पूरी एक्सरसाइज में तो एक प्यार सा कमेंट डाल देना कि सर ये स्टेप है, ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। तो आज जो आपकी एक्सरसाइज कौन सी, जल्दी से बताओ, 7.2 पूरी हो चुकी है कंप्लीट। आई होप पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ गएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।